एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज मैं आप लोगों को लेकर चल रही हूँ मंगलदास मार्केट और क्रॉफर्ड मार्केट, जो कि मुंबई का सबसे बड़ा होलसेल मार्केट है। और आज मेरी वैक्सीनेशन भी होना है, सेकेंड डोज, तो उसके लिए मैं अपने हस्बैंड के ऑफिस जा रही हूँ। तो मैं उन्हीं के साथ निकली हूँ स्कूटी पर, क्योंकि ऑफिस से मार्केट जो है वो बहुत पास में है, तो मैं वहाँ से टैक्सी से चली जाऊँगी। तो मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में। अभी हम आ गए हैं दादर में, दादर स्टेशन की साइड में हैं हम। और मैं तो फर्स्ट टाइम ही सुबह के टाइम में आ रही हूँ, और मैं पहली बार ये हाल देख रही हूँ। मेरे पति तो जो है वो डेली ही ये सब फेस करते हैं, और मुंबई का आप देखिए कितना स्ट्रगल करते हैं लोग, और वैसे तो हर जगह ही करते हैं, लेकिन यहाँ पे ट्रैफिक होने के वजह से जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है ड्राइव करना। और आप ये देखिए, ये सब्जी मंडी इधर पीछे की तरफ लगती है आगे जाके, और यहाँ पर इन लोगों ने कितनी ज़्यादा अपनी जो वेस्ट हो जाती है, इनकी सब्जी जो जितनी बच जाती है वो सारा ये लोग रोड पे ही डाल देते हैं, जिसके वजह से जो है आप देखिए कितनी दिक्कत होती है बाइक स्कूटीज़ वगैरह निकालने में। कार में तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, लोग आराम से बैठे हुए हैं, पर ये बारिश के टाइम में इतना ज़्यादा स्लिपरी हो जाता है। और मैंने तो ये सब फर्स्ट टाइम ही देखा, और मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लगा। मतलब मुंबई का ये फेस तो मैंने बिल्कुल देखा ही नहीं था अभी तक, सब अच्छा अच्छा ही देखा था। तो मैंने सोचा आप लोगों को एक ये साइड भी मुंबई का दिखाती हूँ, कि देखिए आप कितना ज़्यादा ये लोग गंद मचाते हैं, सारी सब्जी रोड पे ऐसे डाल के चले जाते हैं। और ये लगभग 10:30 के करीब जो है वो क्लीन होता है, सब जो है वो हटाया जाता है, पर उससे पहले ऑफिस में के लिए कितने लोग निकल रहे हैं और ये सारी गंदगी जो है वो लोग झेलते हुए जा रहे हैं। इस पे पैर भी रखना पड़ता है, मतलब बहुत ज़्यादा गंदा था, मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। इसलिए मैंने आप लोगों को सोचा कि थोड़ा सा मैं दिखाती हूँ आपको, कि देखिए कितनी ज़्यादा गंद मचा रखी है। मुझे देख के बहुत ज़्यादा पर्सनली बहुत ख़राब लगा, और यहाँ पर स्कूटी स्लिप होने में भी इतना डर लग रहा था कि कभी भी ऐसा लग रहा था स्लिप हो जाएगी। तो यहाँ से मैं जा रही हूँ ऑफिस, और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो वैक्सीनेशन मेरा हो चुका है, और अब मैं जा रही हूँ मंगलदास मार्केट और क्रॉफर्ड मार्केट। तो यहाँ मैंने टैक्सी कर ली थी, और उसी से मैं जो है वो मार्केट जा रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है वहाँ से। और स्कूटी से मैं इसलिए नहीं आई क्योंकि मुझे रोड्स वगैरह स्कूटी से नहीं पता है, तो इसलिए मैंने रिस्क नहीं लिया है। तो मैं जो है वो टैक्सी से आ गई हूँ, और बारिश हो रही है हल्की फुल्की, और बस मैं यही सोच रही हूँ कि अगर बारिश हुई तो कैसे मार्केट लगेगा और कैसे मैं आप लोगों को सब कुछ दिखा पाऊँगी। तो बस यही प्रे कर रही हूँ कि बारिश वगैरह ना हो, क्योंकि अभी तो थोड़ी थोड़ी मोड़ी मतलब बूंदाबांदी हो रही है, पर कुछ ज़्यादा बारिश नहीं हो रही है। तो चलती है मैं मार्केट में, और मैं आ गई हूँ मंगलदास मार्केट। तो ये यहाँ से शुरू होता है मार्केट, और बहुत ज़्यादा आगे जाकर इसका बहुत हमको लंबा चलना पड़ता है। आगे मुंबा देवी का मंदिर भी है, जो कि मुंबई का सबसे फेमस टेम्पल है मुंबा देवी। तो वहाँ इसी रोड पे मंगलदास मार्केट में ही वो पड़ता है। तो अभी आप देख सकते हैं जैसे कि मार्केट पूरा खाली हो रखा है, और कुछ भी जो है वो दिख नहीं रहा है, कुछ भी लगा नहीं है, क्योंकि मैं जो है वो बहुत जल्दी आ गई हूँ मार्केट में। अप्रोक्सीमेट 10:30 मैं जो है यहाँ पहुँच चुकी हूँ, और मार्केट जो है वो 11 के बाद ही लगता होगा। तो अभी बहुत ज़्यादा जो है वो कुछ सब खाली वाली पड़ा हुआ है, सारी रोड्स बिल्कुल खाली हैं, 2-4 ही लोग इधर उधर लिए बैठे हुए हैं, जो कि आपको दिख ही रहे होंगे वीडियो में। तो मैं जो है वो अभी जा रही हूँ सीधे भगवान की एक शॉप है मेरी बंधी हुई, मैं वहीं से सारे उनके चीज़ें लेती हूँ। तो मैं वहाँ जा रही हूँ, क्योंकि जब तक मुझे वहाँ अच्छा खासा टाइम लग जाएगा चीज़ें सेलेक्ट करने में, उसके बाद जो है वो मैं लौटते पर आप लोगों को मार्केट दिखाऊंगी। क्योंकि अच्छा खासा जब तक मुझे वहाँ टाइम लगेगा मैं शॉपिंग करूँगी, तब तक ये मार्केट ऑलमोस्ट लग चुका होगा। तो मैं सीधे आप लोगों को जो है वो वहीं पर मिलती हूँ। तो ये शॉप है मंगलदास मार्केट में, काफ़ी बड़ी शॉप है, इसी से मैं जो है वो सारी शॉपिंग करती हूँ अपने भगवान जी के लिए। जितनी भी चीज़ें लेकर आती हूँ सब यहीं से लेकर आती हूँ। तो मैं जब भी साल में 1-2 बार ही यहाँ जा पाती हूँ, तो मैं बल्क में बहुत सारा सामान ले लेती हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा खर्चा करके आती हूँ आराम से, क्योंकि यहाँ पर बहुत रीज़नेबल रेट में और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, जो कि हमारे घर के पास नहीं मिलती हैं। तो यही इनकी दुकान है, और बहुत अच्छी दुकान है, काफ़ी अच्छे लोग भी हैं, बहुत अच्छे से डील करते हैं। तो ये सब मैंने ख़रीदा है, इसका व्लॉग मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी। और मैं वहाँ से निकल ली, और ये सब फूलों का मार्केट है, जहाँ पे आर्टिफिशियल फ्लावर वगैरह मिलते हैं,
और आप लोग देख सकते हैं पूरा पॉलीथीन से कवर किया हुआ है। मैं आप लोगों को रास्ते में कुछ भी नहीं दिखा पाई क्योंकि बारिश बहुत तेज़ होने लगी थी और मेरे पास सामान काफ़ी ज़्यादा हो गया था और फ़ोन निकालने का हो ही नहीं रहा था क्योंकि बारिश बहुत तेज़ थी। एक हाथ में मेरे फ़ोन था, दूसरे हाथ में जो है वो सामान था, तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई। और करती भी क्या, सब लोगों ने अपने सामान के ऊपर जो है वो पॉलीथीन डाल दी थी, पूरा कवर कर रखा था, तो सब चीज़ें ढकी हुई थी, तो मैं कुछ भी आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई। अगली बार मैं जब भी मार्केट आऊँगी तो मैं ऐसे टाइम में आऊँगी जब बारिश का सीज़न ना हो, तो मैं आप लोगों को अच्छे से पूरा मार्केट जो है वो दिखा पाऊँगी, एक एक चीज़ पूरी डिटेल में दिखा पाऊँगी। मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ा है। अगली बार मैं जब भी आऊँगी तो प्रॉमिस मैं आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करने वाली हूँ। और अभी क्योंकि कल से गणपति हैं तो मार्केट जो है वो पूरा फ्लावर से और इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर आए हैं, बेल आई हैं, लड़ आई हैं, बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें आई हैं, तो इनमें से मैंने कुछ भी नहीं लिया है। मैंने मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो है वो भगवान के लिए हैं, तो वो मैं आप लोगों के साथ अगले वीडियो में शेयर करूँगी मार्केट का जो भी मैंने चीज़ें ली हैं। और मैं अभी जो है वो टैक्सी में बैठ चुकी हूँ, मैं जा रही हूँ अपने हस्बैंड के ऑफिस, तो मैं उसी में से आप लोगों को दिखा रही हूँ ये सब क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। सुबह 10:30 की आई है, मुझे अभी हो चुका है 4 बज चुका है और मैं तब से घूम रही हूँ। बारिश के वजह से बहुत ज़्यादा देर लग गई, खड़े होना पड़ा, तो वही सब उतना ज़्यादा मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई। मैंने सोचा था कि डिटेल में आप लोगों के साथ मैं सब कुछ शेयर करूँगी, आपको पूरा मार्केट दिखाऊँगी, पर वही था कि बारिश की वजह से सब बेकार हो गया, कुछ भी मैं ज़्यादा नहीं दिखा पाई। तो ये फूलों का जो मार्केट है ये बहुत अच्छा मार्केट है। और अभी मैंने जो है वो जा रही हूँ अपने हस्बैंड के ऑफिस। ये मरीन ड्राइव वाली जो रोड है ये वही वाली रोड है और पूरा यहाँ काम चल रहा है, तो ब्रिज वगैरह बन रहा है यहाँ पर, अंडर वाटर ब्रिज बन रहा है शायद, जिसके वजह से पूरा जो है वो ब्लॉक कर रखा है। यहाँ पे अभी कोई आ जा नहीं सकता है। मरीन ड्राइव पूरा अभी बेकार हो चुका है, जो कि मुंबई में बहुत ज़्यादा फेमस है लेकिन सारा बेकार हो चुका है। तो मैं जा रही हूँ ऑफिस और ऑफिस से मैं निकल रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ 5:30 बजे। मैंने थोड़ा वहाँ वेट किया और अभी हम लोग जा रहे हैं घर। तो ये रास्ते में आप देख सकते हैं गणपति के कितने ज़्यादा स्टॉल लगे हुए हैं मुंबई में ना, ये देखने में बहुत ज़्यादा मुझे तो मज़ा आता है। गणपति गणपति मतलब सीज़न है अभी क्योंकि कल से गणपति हैं, तो इतने सारे स्टॉल लगे हुए हैं, पंडाल लगे हैं जिन पे खूब सारे गणपति मिल रहे हैं। तो हम लोग तो नहीं रखते हैं, कभी ईश्वर ने चाहा तो ज़रूर गणपति रखेंगे लेकिन अभी तक तो नहीं रखते हैं। तो ये गणपति की बहुत सारी जो हैं वो शॉप लगी हैं जो मुझे देखने में अच्छी लग रही थी, तो मैंने थोड़ा सा वीडियो बना लिया और अब मैं जा रही हूँ अपने घर। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।